नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने अवैध गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस टीम ने प्रेस स्टिकर लगे वैन में 350 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से आसाम के रहने वाले दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गामर थाना क्षेत्र के कर्मनासा पुल पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान गांजे की ये बड़ी खेप पकड़ी है। तस्कर अवैध गांजा से भरी वैन बिहार से यूपी की सीमा में ला रहे थे। प्रेस स्टिकर लगी वैन में प्रेस आईडी कार्ड, मीडिया माइक भी मिला है। जबकि पकड़े गए बदमाशों के पास से एक तमंचा, दो कारतूस पाया गया है। न्यूज 9 भारत के लिए गाजीपुर से अजीजुर रहमान की रिपोर्ट। कल एक सटीक सूचना पे, मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पे चेकिंग का अभियान जो है वो चलाया गया था और एक गाड़ी टाटा जेनॉन, इसको रोकने की पुलिस ने जब कोशिश की थी, इसमें इसको रोका गया गाड़ी को और उसमें से दो व्यक्तियों को नीचे उतरने के लिए बताया गया था। प्रेस का स्टिकर जो है वो गाड़ी के ऊपर चिपकाया गया था, कुछ न्यूज़ नॉर्थ ईस्ट करके माइक पे लिखे हुए ऐसे माइक्स भी उसमें रखे गए थे। इसका मकसद यह हो सकता है कि प्रेस का देख के गाड़ियाँ जो है वो चेक ना कराई जाए। जब पूरी तरीके से सघनतापूर्वक टीम द्वारा काम किया गया और चेकिंग इस गाड़ी की गई, इसमें लगभग 33 बंडल इसमें पाए गए। बंडल को खोलने के बाद उसमें नारकोटिक सब्सटेंस का होना पाया गया है। गांजा इसमें बरामदगी लगभग 350 किलोग्राम के गांजा की बरामदगी हुई है। इसको FSL भी जो है वो भेजा जाएगा। इन लोगों के पास जो नंबर प्लेट ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, हरियाणा 55 नंबर के इस्तेमाल कर रहे थे, फर्जी नंबर प्लेट है, इसीलिए इनके ऊपर 8/20 NDPS की धारा और 419, 420, 467, 468, 471 धारा में 185/2022 FIR के क्रम में इसमें रजिस्टर किया जा रहा है। इनके पास आर्म्स भी मिले हैं, तमंचे भी मिले हैं। 3/25 का मुकदमा भी इसमें दर्ज किया गया है। इस उपलब्धि के लिए टीम को मेरे द्वारा 20,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। कि अंतर्राज्यीय ये जो है वो गैंग था, आसाम से आए हुए ये लोग थे, आसाम से माल को इन्होंने जो है वो लोड किया था और उत्तर प्रदेश में संभवतः बॉर्डरिंग जिले में ये लोग जाने वाले थे। ये लोग कहाँ जाने वाले थे, क्या थे, इसके ऊपर अभी इंटरोगेशन जारी है। इनके फ़ोन रिकॉर्ड्स और सारे मैसेजिंग के डिटेल्स इत्यादि लिए जा रहे हैं। टीम गठित की जाएगी इस प्रकरण को और डिटेल में ये करने के लिए और इनका मकसद क्या था, सारी चीज़ें, कोई अलग एंगल तो नहीं था इसमें, सारी चीज़ें जो है वो पता की जाएगी। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 28-30 लाख है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मार्केट वैल्यू इतनी है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।